नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। जो सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए भाग कर आई, वो अपने प्यार की बेइज्जती होते कैसे देख सकती। सीमा हैदर के पति सचिन मीना को लप्पू सा सचिन कहने वाली पड़ोसन पर अब सीमा हैदर ने लीगल एक्शन ले लिया है। इतना ही नहीं, सीमा हैदर ने सीधा पड़ोसन को मानहानि का नोटिस भेजकर उन लोगों को भी चेतावनी दी है जो लोग सचिन का मजाक उड़ा रहे थे। क्या है मानहानि के नोटिस में और क्या जवाब दिया है पड़ोसन ने, ये सब जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। सचिन मीणा को लप्पू और झींगुर कहे जाने पर ग्रेटर नोएडा के दो गांव और समाज के बीच तनाव का माहौल बन गया है। रबुपुरा कोतवाली क्षेत्र के म्याना गांव में रहने वाली मिथिलेश भाटी को सचिन और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने मानहानि का नोटिस भेजा है। इस नोटिस में पूछा गया है कि उन्होंने सचिन को लप्पू और झींगुर क्यों कहा। इन शब्दों से सचिन खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। इस तरह की बातें बोलकर सचिन की छवि खराब की जा रही है। म्याना गांव रबुपुरा का पड़ोसी गांव है। रबुपुरा में सचिन और सीमा का परिवार रहता है। कुछ दिन पहले मिथिलेश भाटी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। उनके डायलॉग्स पर गाने तक बनाए जा चुके हैं। दूसरी तरफ मिथिलेश भाटी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में मिथिलेश ने कहा है कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया है, मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दिया। हमारे यहाँ लप्पू और झींगुर शब्दों का इस्तेमाल आम बोलचाल की भाषा में धड़ल्ले से किया जाता है। कोई दुबला पतला बच्चा होता है तो उसे हमें ये कह देते हैं। मीडिया के लोगों ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। मुझ पर बॉडी शेमिंग के आरोप लग रहे हैं। मैं नहीं जानती कि बॉडी शेमिंग क्या चीज होती है। अभी हाल ही में इसी साल मई में सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से वाया नेपाल भारत आ गई। सचिन के साथ पबजी खेलते हुए उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। सीमा हैदर अब पाकिस्तान वापस नहीं लौटना चाहती। यूपी पुलिस ने कई दिनों तक सचिन, सीमा और उनके ससुर नेत्रपाल मीना से पूछताछ की थी। शुरुआती छानबीन में सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने संबंधी कोई तथ्य नहीं मिले। इसी बीच मिथिलेश भाटी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सीमा और सचिन पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।